हेलो दोस्तों, टैक्स सीसीटीवी में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि एक वर्जन के DVR और NVR से किस तरह से पेन ड्राइव में बैकअप लिया जाता है। यह है हमारा एक वर्जन का NVR। इस NVR में हम पेन ड्राइव को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, इंसर्ट कर दिया है। इसके बाद NVR की डिस्प्ले पे जाएंगे हम। ये हमारे NVR की डिस्प्ले है। इस कैमरे के हमें वीडियो बैकअप लेना है, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, मेन्यू में जाएंगे और अपना अगर पासवर्ड है तो उसे अनलॉक कर लीजिए। प्लेबैक के बाद में आपको मिलेगा एक्सपोर्ट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ आपके सारे कैमरे शो हो जाएंगे, इनमें से आपको जिसका बैकअप लेना है उसका लीजिए। हमें अपने D1 है हमारा कैमरा, तो हम इसका लेंगे। यहाँ आपका स्टार्ट एंड डेट टाइम है और रिकॉर्डिंग फाइल्स टाइप और स्टार्ट टाइम डालना है हमें, जिस भी वीडियो का बैकअप लेना है, और एंड डेट और टाइम डालना है। इधर तो डेट आएगी, इधर आएगा आपका टाइम। हम 8 तारीख का बैकअप लेंगे। ठीक है, 1 बजे से 1 बज के 10 मिनट, हम 10-11 मिनट का हम बैकअप लेंगे अपने पेन ड्राइव में। ठीक है, अब हमें सर्च पे जाके सर्च पे क्लिक करना है। ये हमारी वीडियो है, इसे सेलेक्ट कर लेना है। ये स्टार्ट टाइम है यहाँ जो हमने डाला था, और ये है हमारा एंड डेट टाइम। ठीक है, ये सही है, यहाँ कंफर्म हो जाए। उसके बाद देखते हैं हम इसमें पेन ड्राइव का साइज, ये टोटल साइज कितना है वीडियो का। तो ये हमारा 35.46 MB साइज है। एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपका USB फ्लैश डिस्क शो हो जाएगी। अगर पुराना डेटा इसमें आप नहीं रखना चाहते तो उसे डिलीट मार सकते हैं, या फॉर्मेट भी कर सकते हैं आप। इसका स्पेस है 14.50 GB। ये हमारा USB है। इसमें हमें MP4 पे करना है या AVI पे रिकॉर्ड करना है तो वो कर सकते हैं, MP4 पे करेंगे। इसके बाद हमें न्यू फोल्डर बना लेना है, नहीं भी बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर और फाइल है तो आप इसके अंदर अपना नाम देके फोल्डर बना लीजिए, जिससे आपको याद रहेगा कि कौन से फोल्डर में आपने वीडियो को डाला था। इस पर डबल क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देंगे, और इसमें वीडियो पे सिलेक्ट करेंगे ऊपर और ओके कर देंगे। ये एक्सपोर्टिंग शुरू हो जाएगी। एक्सपोर्ट फिनिश्ड, यानी आपकी जो बैकअप है वो आ चुका है वीडियो का। ओके कर दीजिए। ठीक है, ये फाइल है आपकी जो भी हुई है 35.47, बैक करके आप सारा क्लोज कर दीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम अपना ये रिमूव कर लेते हैं पेन ड्राइव को NVR से, और इसे PC पे लगा के एक बार चेक करते हैं। पेन ड्राइव लगा लीजिए आप अपने PC में। डिस्क PC पे जाके क्लिक कीजिए, और ये हमारा पेन ड्राइव है खाली लाइफ के नाम से। माई रिकॉर्ड का फोल्डर बनाया था, इसमें हमारी यहाँ आपको ऑडियो फाइल मिलेगी MP4 की। इसे आप अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे कॉपी कर लीजिएगा।
और फिर इस पर राइट क्लिक करके ओपन विद वीएलसी में चला लेना है इसे। ये हमारी फाइल ओपन हो चुकी है वीएलसी में, जितना टाइम की थी इतनी ही टाइम की, 11 मिनट की। ठीक है, इस तरह से आपको अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।